वेलकम बैक, स्वागत है सभी का। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं तीन करंटली एक्टिव कंपनी के आईपीओस के बारे में, जो कि हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन एंड आईएफएल फाइनेंस लिमिटेड। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप 25 दिन में पैसा डबल, 25 दिन में पैसा डबल। ओह माय गॉड, वाओ। नहीं, मैं मजाक कर रहा था। 25 दिन में ऐसा कुछ नहीं होएगा। मैं आपको इसमें ये बताऊंगा कि आप किन आईपीओस में इन्वेस्ट कर सकते हैं और किन आईपीओस में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें अगर आप भी सोच रहे हैं इन तीनों में से किसी आईपीओस में इन्वेस्ट करने के बारे में, क्योंकि मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे की इन्फॉर्मेशन पीस शेयर करने की कोशिश करूंगा, रेवेन्यूज़ के बारे में, कंपनीज़ के बारे में, जिससे शायद आपको हेल्प मिले कि वेदर यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन दिस आईपीओ और नॉट। ओके, तो चलिए लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। मुझे भी डबल कराना है पैसा। ये स्कीम किसी अरे गहरे नत्थू गहरे के लिए नहीं है, इसके लिए बड़ी ऊँची पहचान चाहिए, ऊँची पहुँच चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ आईपीओ के बारे में। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस जो है, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो कि आपकी और हमारी कैटेगरी है, वो 10.38 टाइम्स सब्सक्राइब्ड है ऑलरेडी। अभी एक दिन इसमें अभी भी बचता है एंड टू डेज में इट हैज़ बीन सब्सक्राइब्ड 10 टाइम्स। तो ये रेशो है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 2.48 टाइम्स है एंड QIB से हमें ज़्यादा मतलब नहीं है, बट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी इसमें 1.15 टाइम है, तो भी ठीक है। एंड इसकी IPO की अभी भी 17th मार्च तक डेट है, तो यू कैन स्टिल अप्लाई विद एन IPO प्राइस बैंड ऑफ 129 to 130 रुपीज़। अगर इस IPO के बारे में हम कंपनी से रिलेटेड एसेट्स के बारे में बात करें तो इसके टोटल एसेट्स जो हैं, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं ओवर पास्ट ईयर्स। मार्च 18 से मार्च 19 टू मार्च 20 एंड मार्च 20 से सितंबर 20 में देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ डिप और अ बैड बैच, बट वो COVID-19 का फेस ऑलमोस्ट हर कंपनी के साथ आया। बट आप उसमें भी टोटल रेवेन्यू की बात करें विच इज़ अराउंड 8,000, तो अगर आप इसको 2.2 से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम से मल्टीप्लाई करें फॉर अ होल ईयर, तो ये टोटल रेवेन्यू जो आपको यहाँ दिख रहा है वो आपको इनसे ज़्यादा मिलेगा, राइट? तो आई वुड से द कंपनी लुक्स प्रिटी गुड इन टर्म्स ऑफ इट्स रेवेन्यूज एंड अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, जो कि इथाइल एसीटेट है, कुछ डेरिवेटिव केमिकल प्रोडक्ट्स हैं। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही है। अगर आप इसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के बारे में बात करें तो इस कंपनी की आपके लिए एवरेज रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। हम और कंपनी आईपीओस के बारे में बात करेंगे तो उसमें और ज़्यादा हम कंपेयर कर पाएंगे कि विच इज़ मोर रिस्की, विच इज़ लेस रिस्की टू सब्सक्राइब टू। तो अगर हम यहाँ पे मैं बात करूँ इसके सब्सक्रिप्शन के बारे में, तो मैं इसको ज़रूर सब्सक्राइब करूँगा एंड इसमें मे बी आपको बम्पर लिस्टिंग देखने को मिल सकती है, बट आपको ये मिल पाए इसके ऑलमोस्ट 1/10 चांसेस हैं अकॉर्डिंग टू टूडे। अब बात करते हैं क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन आईपीओ के बारे में। तो क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन आईपीओ का अगर सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखें, इसका जो आईपीओ प्राइस बैंड है वो 1488 से 1490 के प्राइस बैंड में है। इसका रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट जो है बहुत अच्छा नहीं है, बट ठीक है। एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल और क्वालिफाइड भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा, वो भी काफ़ी कुछ कन्विंसिंग नहीं दिख रहा है, मतलब जस्ट बिलो एवरेज और एवरेज आई वुड से। तो क्या मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूँगा? इसमें इन्वेस्टमेंट मैं करूँगा, बट ये सोच के कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। इसके मार्केट पे आते ही बम्पर लिस्टिंग देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं है। ये अभी अपने बैड फेज, बैड पैच से उभर रही है कंपनी क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन। ऑटोमोटिव ये है, ऑटोमोटिव एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स और ऑटोमोटिव पावर ट्रेन एंड अदर प्रोडक्ट्स से रिलेटेड कंपनी है। अगर इसके रेवेन्यू के बारे में बात करें, इसके एसेट्स के बारे में बात करें, तो मार्च 18 से मार्च 19 टू मार्च 20 ज़्यादा, मार्च 19 टू मार्च 20 ज़्यादा कुछ बड़े नहीं हैं। इनफैक्ट आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट स्टैगनेंट ही रहे हैं एंड उसके बाद डिप भी आया है COVID-19 वाला, जो कि आपको दिख रहा है। बट टोटल रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू इसका मोर और लेस सिमिलर रहा है ओवर द पास्ट 4 ईयर्स, बट लॉन्ग टर्म में इट कुड गिव यू गुड रिटर्न्स। तो इसमें आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से तो बिल्कुल इन्वेस्ट ना करें, अगर आप लॉन्ग टर्म रिस्क टेकिंग कैपेसिटी रखते हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। एंड बम्पर लिस्टिंग के बारे में जो मैं बात कर रहा था,
रेलटेल का भी कुछ ही दिनों पहले आईपीओ हुआ था एंड इसके ओपनिंग प्राइस पॉइंट जो था 93 to 94 था एंड ओपनिंग आईपीओ प्राइस में 93 to 94 में ये 94 पे जो सब्सक्राइब किया गया इसकी फर्स्ट लिस्टेड प्राइस जो थी मार्केट पे वो 109 की थी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं विच इज़ ऑलमोस्ट 11.27% प्रीमियम ओवर द इशूड प्राइस ऑन आईपीओ और इसकी करंट प्राइस जो है अराउंड लाइक हाफ अ मंथ में या वन मंथ में अराउंड 141 पहुंच चुकी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं वाई इन्वेस्टिंग इन आईपीओस कुड बी बेनिफिशियल। तो यहाँ हम क्राफ्ट्समैन के बारे में बात कर चुके हैं। क्राफ्ट्समैन थोड़ा ज़्यादा रिस्की एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है इक्विटी शेयर्स में। फाइनली हम आते हैं अपने फाइनल कंपनी डिस्कशन पे विच इज़ IIFL फाइनेंस। तो IIFL फाइनेंस की अगर हम बात करें तो ये इक्विटी फंड नहीं है, ये डेप्ट फंड है। एंड डेप्ट फंड क्या होते हैं, बेसिकली ये NCD है विच इज़ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर कुछ इंटरेस्ट रेट सॉर्ट ऑफ ऑफर करते हैं। NCDs दैट आर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो ये आपको ऑफर करता है। सब्सक्रिप्शन जो है इसका 3rd मार्च से 18th of March तक अवेलेबल है ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस। तो इसका रिटेल इन्वेस्टमेंट विच इज़ कैटेगरी 4 8.46 टाइम्स है ऑलरेडी। HNI और NII जो हैं 5.31 और 3.91 टाइम्स है और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो है ये काफ़ी कम है यहाँ पे टोटल। एंड इसका जो टेनोर भी है दैट इज़ ऑल्सो 87 मंथ्स विच इज अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 7 ईयर्स। तो 7 ईयर्स के लिए अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो उसके बारे में सोचा जा सकता है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल 7 ईयर के इन्वेस्टमेंट अभी नहीं सोच रहे शायद। मे बी इट इज़ वुड बी अ नो फॉर मी टू सब्सक्राइब दिस। अगर आप एक इन्वेस्टमेंट फर्म के बारे में भी बात करें, एक मेलविन जोसेफ SEPI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, तो उनका भी यही कहना है NPAs काफ़ी हैं एंड उसका इफेक्ट से अभी ये बाहर नहीं आ पाई है एंड इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू इन्वेस्ट इन सच काइंड ऑफ डेप्ट फंड्स। तो यही अभी तक की ओवरऑल है। एंड जो कुछ क्राइसिल लिमिटेड एंड ब्रिकवर्क रेटिंग्स हैं वो भी इसकी अभी ज़्यादा अच्छी नहीं है। ये आपको 10% की ईल्ड प्रोवाइड करेगा ओवर द कोर्स ऑफ 7 ईयर्स, तो इट वुड बी अ नो फ्रॉम मी। एंड ओके, तो दैट इज़ इट फॉर प्रिटी मच फॉर दीज 3 कंपनीज। तो अगर मैं तीनों कंपनीज को रेट करूँ कि किस में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी जो होगी वो होगी लक्ष्मी ऑर्गेनिक। अगर आप रिस्क वाइज बात करें तो रिस्क वाइज सबसे लीस्ट रिस्क टेकिंग कंपनी जो है वो लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स रहेगी। एंड उससे ज़्यादा फिर आपकी आती है क्राफ्ट्समैन उससे ज़्यादा रिस्क टेकिंग है एंड अबव एवरेज रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होनी चाहिए आपकी एंड थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पस से सोचना चाहिए आपको, तभी आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे। एंड IIFL वुड बी अ नो फॉर मी। एंड अगर आप ये वीडियो सारे IPOs क्लोज होने के बाद देख रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि जब भी ये फर्स्ट टाइम लिस्ट होंगी कंपनीज पब्लिकली, आप उसके बाद कुछ 1 to 2 weeks वेट कर सकते हैं फॉर देम फॉर देयर स्टॉक प्राइसेस टू कूल डाउन एंड गेट एट देयर करेक्शन। एंड उसके बाद मे बी यू कैन कंसिडर अगैन कि पब्लिकली लिस्टेड मार्केट से ही आप शेयर्स को इक्विटी शेयर्स को खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। एंड सी यू गाइज अगैन इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और एनी फर्दर क्वेरीज जो आप इस वीडियो के बारे में पूछना चाहते हैं या और किसी IPO के बारे में पूछना चाहते हैं, मुझे ज़रूर बताइए कॉमेंट्स में डाउन बिलो। एंड थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। बाय बाय, थैंक यू।